जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अमित सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिशन सक्सेस NCC। आज मैं आपको संविधान में अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के बारे में बताऊंगा। अनुच्छेद 2 और 3 संविधान सभा को क्या क्या राइट्स देता है और संविधान सभा जिससे कितनी मजबूत बनती है। अभी हम संक्षेप में चलते हैं और समझते हैं संविधान का अनुच्छेद 2 और 3। अनुच्छेद 3 क्या बोलता है? नए राज्यों तथा निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकती है। इसका मतलब यह है जो नए राज्यों का निर्माण, मतलब संसद चाहे तो किसी भी राज्य को कम करके नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। नए राज्यों का निर्माण और जो वर्तमान के राज्यों का क्षेत्र सीमा है, जो वर्तमान के राज्यों की क्षेत्र सीमा है या नामों को, मतलब क्षेत्र सीमा तो है ही, क्षेत्रफल तो है ही, भूमि जमीन तो कम ज़्यादा करना तो है ही, बल्कि तो नामों को भी परिवर्तन कर सकती है। ये संसद विधि द्वारा कर सकती है। इसमें संसद चाहे तो आराम से कर सकती है। इसमें संसद को हक दिया गया है। तो अभी ये मेरा कैसा रहा लगा आपको अनुच्छेद का वीडियो? अभी 3 अनुच्छेद हो चुके हैं, परिवर्तन की जो प्रस्तावना है वो भी हो गई है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।